इंडिया में क्रिकेटर भगवान और क्रिकेट एक रिलीजन है और इस रिलीजन का त्योहार यानी वर्ल्ड कप बस समझो आ ही गया। लेकिन त्योहार तो ऑलरेडी चल रहा है, लोकतंत्र का त्योहार, एंड हाउ क्रेजी इट विल बी इफ वी मिक्स द टू। क्रिकेट में किस किस को इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स आई डोंट नो। मुझे टीम बनानी है लेकिन उसमें नेता खेलेंगे। नहीं, अरे नहीं, मुझे बनानी है। नहीं, क्यों बनानी है? अरे अभी पॉलिटिशियंस किसी भी टीम से हो सकते हैं, मतलब किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कैप्टन कौन होगा आपके हिसाब से? कैप्टन मेरे हिसाब से मोदी जी होंगे। मतलब हाथ रख के बोलो, नरेंद्र मोदी। मोदी लेंगे भैया, मोदी रखेंगे। तुम घबराओ नहीं, कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, कोई नहीं मारेगा। नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अरविंद केजरीवाल जी। हमें इस बार फीमेल को लेना चाहिए। तो सुषमा स्वराज को कौन सा रोल मिलना चाहिए टीम में? कैप्टन सर। तो सोनिया गांधी ले लेते हैं सर। मोदी जी। आई माइट गो फॉर मे बी सचिन पायलट। कन्हैया कुमार, यस ही शुड बी द कैप्टन। देखो संबित पात्रा, अच्छा कप्तान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ना वो मैनेज कर लेते हैं। और मैं बाकियों का नाम, मैं मोदी वगैरह का नाम, मोदी जी का नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि थोड़े एजेड है। ओपनिंग जोड़ी जो उतरेगी सलामी बल्लेबाजों की, वो किन की होगी? सनी देओल की होगी एक तो। और दूसरा? गौतम गंभीर। सनी देओल और गौतम गंभीर। अच्छा वैसा क्यों? क्योंकि मैं, मेरे पड़ोस में गौतम गंभीर रहता है, सनी देओल को मैं फिल्मों की जानता हूं। क्या बात है। या अरुण जेटली। एंड द सेकंड वन? राहुल गांधी। Okay, why Rahul Gandhi? Why? As we see in our Indian team squad, so we normally have some youngsters as well, like Rishabh Pant as well. So I guess that he would be a perfect fit for the same. Youth leader, that should be the opener. Rahul Gandhi then. Modi or Amit Shah? Modi or Amit Shah? अच्छा, सबसे बढ़िया ओपनर कौन है आजकल? अच्छा, हर जगह इन्हीं के चर्चे हैं आजकल। दोनों कोई न्यूज चैनल खोलो तो वही दिखते हैं। राजनाथ सिंह। और दूसरे छोर पे कौन होंगे? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्हैया कुमार। क्या बात है। और सेकंड में अगर आप देखते हैं तो पीएम के उस पे अगर देखते हैं तो मोदी। कौन है ऐसा जो बहुत स्लेजिंग करने के जिसके चांसेस है? सुब्रमण्य स्वामी। क्यों? Because he is into sledging only. और second slip होती है ना, उस पे रहने चाहिए योगी जी आसपास। आई पास में sledging करने के लिए। बिल्कुल। ऐसा लगे हुए। और हिंदी में करे देसी भाषा। देसी भाषा में sledging, beep 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 जैसा होता है stumps के पीछे आगे। फिर संबित चाचा है हमारे। केजरीवाल। जैसे वो स्लेज हमारे मोदी जी को भी करते रहते हैं। कर ना। कैसे बोलते हैं? करो ना। अरे करिए ना, करिए ना। Going with the current flow, it's Sadhvi Pragya. Opening batsman ke baad to one down mein somebody who has a lot of responsibilities on their shoulder. I really like Shashi Tharoor. Yeah, I was probably going for the same one. Yeah. Chidambaram Sambhi aa sakte hain, badhiya hai. Mayawati. Nitin Gadkari ji, RSS ke khas all rounder kaun hoga team mein? All rounder. शत्रुघ्न सिन्हा। कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। मोदी। शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ शत्रुघ्न है ना। असदुद्दीन ओवैसी। मायावती। और अरविंद केजरीवाल। अखिलेश। शत्रुघ्न। शत्रु। घन। घन। अखिलेश यादव है। घन। घन। देवरा है। अच्छा फिर किरण रिजू है। सारे मतलब कोशिश ये कि सारे ऑलराउंडर, 11 बैट्समैन 11 बॉलर। क्या बात है विकास, यही तो देश को जरूरत है, 11 बैट्समैन 11 बॉलर। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बाउंसर मारते हैं जिनकी बात समझ नहीं आती, आपके हिसाब से कौन है ऐसा पॉलिटिशियन है जो बाउंसर मारता है? मेरे हिसाब से जो है वो है राहुल गांधी। वो जैसी फिरकी ले लेते हैं शायद इंडिया का कोई नेता ऐसी फिरकी ले पाए। ममता दीदी ट्राई करेंगे। योगी आदित्यनाथ। तो अनऑर्थोडॉक्स बॉलर जो मतलब अपनी फिरकी से एकदम ऑपोजिशन को चकरा दे, सिद्धू। ओके पेस बॉलर कौन होगा? कन्हैया कुमार। हाँ। क्यों? वो ऐसे ऐसे बॉल डालते मोदी जी, कई बार क्लीन बॉल हो गए हैं। मोदी जी तो फास्ट बॉलर है यार, वो सबसे बढ़िया फेंक तो वही है। प्रियंका गांधी जो है वो भी मतलब सरप्राइज कर सकती है, वो गुगली मार सकती है। गुगली तो मारेगा कन्हैया। ममता दीदी अच्छा मतलब क्लीन बॉल कर सकते हैं। यंग लोगों में फील्डिंग में दूंगा, अभी जो हमारे बिहार से आ रहे हैं निरहुआ एंड पवन सिंह। विकेट कीपिंग की बात की जाए तो राहुल जी, क्योंकि वो बैट्समैन को कंटिन्यू एंटरटेन भी करते रहेंगे साथ में। स्मृति ईरानी को भी कहूंगी थोड़ी सी वो फिट हो जाए। अच्छा। वो भी आ सकती है। मैं वैसे ना एक बात बताऊं, स्मृति ईरानी जी को कहां डालेंगी आप? वैसे मैं उनको ना विकेट कीपिंग में डाल सकती हूँ। योगी मेरी क्रिकेट टीम में होता तो मैं उनको विकेट कीपर बनाता। विकेट कीपर बनाते? हाँ। क्यों? अच्छा क्योंकि वो चल चल के जो स्टंपिंग करते हैं ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। मेन विकेट कीपर होता है, एक बैकअप होता है,
तो मेन के हिसाब से आयल से अरुण जेटली एंड बैकअप के हिसाब से पीयूष गोयल। समझ के बताइएगा विकेट की रक्षा करनी है। बैक बहुत तगड़ी है उनकी। कोच कौन हो सकता है माय टीम का? एडवानी। मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह या अमित शाह? एलके एडवानी। कौन होगा हमारी टीम का? रवि शास्त्री। मोदी। कोच मेरे ख्याल से मोदी। वो तो मोदी जी होने चाहिए। राम सिंह यादव कोच। चाणक्य नीति अमित शाह की। लेडीज नहीं है, सुषमा स्वराज जी हैं, निर्मला सीतारमन है, स्मृति ईरानी है, इनको क्या पोजीशन देने वाले? पिंच हिटर्स देंगे, क्या देंगे? और डेथ 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 जो बॉलिंग होती है वो मैं निर्मला सीतारमन को देना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। वो भी डेथ ओवर बॉलिंग करेंगे। वो लास्ट ओवर में कुछ भी कर सकते हैं। वैसे जितने लोगों ने भी पहला आंसर कैप्टन के लिए मोदी दिया, उन्होंने ओपनिंग भी मोदी जी से कराई, ऑलराउंडर भी मोदी जी बने, सिक्सर भी मोदी जी मारे। वाह मोदी जी वाह। क्योंकि एक ही मैदान में मोदी जी और दूसरा कोई है नहीं मोदी तरफ बैटर जो जिस आपके हिसाब से ऑलराउंडर भी मोदी मोदी जी अकेले मैच खेलेंगे जीत जाएंगे। 11 प्लेयर्स की जरूरत नहीं है। करेक्ट। एक प्लेयर विल डू इट। एक प्लेयर। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? एनी गेसेस? वाह मोदी जी वाह वाह वाह।